नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं नेपाल के भूकंप की, जिसमें हजारों लोग असमय काल के गाल में समा गए। इस भूकंप का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की टिप्पणियां देखने को मिली वो काफी दुखी देने वाली थी। हमारे साथ हैं जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या हमारी संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी हैं? देखिए झाला जी, एक बहुत बड़ी आपदा इस वक्त नेपाल के ऊपर आई है और पूरे राष्ट्र का भूगोल बदल गया है और सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारतें जमींदोज हो गई है। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में हमारी जो मानवीयता है, हमारी जो संवेदनाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं जमींदोज हो चुकी हैं। सोशल मीडिया के आने से कुछ फायदे हुए हैं और जो लोग अभिव्यक्त नहीं कर पाते थे उनकी अभिव्यक्ति मुखर हुई है, उन लोगों को कहने के लिए मंच मिला है। लेकिन इसी वजह से सोशल मीडिया ने हमारी सोच को, हम लोग कितने अपरिपक्व हैं, हमारी शिक्षा किस तरीके से हमारे काम नहीं आ पा रही है, इस सब को भी नंगा करके हम सबके सामने रख दिया है। आप चार लोग बैठे हैं, यार दोस्तों में मजाक कर रहे हैं, वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप सार्वजनिक मंच पे हैं, सभी लोग आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं लगातार। और मैं ये कहता हूँ कि यार दोस्तों की बातचीत में भी कुछ मसले ऐसे होते हैं जहाँ पर हम एक दायरा बनाकर रखते हैं, कुछ मर्यादा रखते हैं। चूंकि हम इस मंच को, वेब वार्ता के मंच को, वेब दुनिया की संपादकीय टिप्पणियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत आहत हैं। जिस तरह की अपरिपक्वता हमने दिखाई है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर चुटकुले बनाए गए हैं, राजनीतिक हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश की गई है, मुझे समझ में नहीं आता किस तरह के समाज की रचना हमने की है कि एक इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई है, माँ अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पा रही है, पिता अपने बेटे को ढूंढने के लिए परेशान है, यहां पर बैठे उनके परिजन बिलख रहे हैं, हम लोग जात पात और देश की दीवारें भुलाकर वहां जाकर अपनी मदद पहुंचा रहे हैं, दुनिया के दूसरे देश भी अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। देखिए आखिर को ये जो भौगोलिक सीमाएं हमने नक्शे पे बनाई हैं, ये तो इंसान की बनाई हुई, प्रकृति और उसकी सृष्टि की जो रचना है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, वो दीवारें वहां से खींच के नहीं आई। ऐसी आपदा का शिकार कोई भी हो सकता है। हमारे यहाँ लातूर में इतना बड़ा भूकंप आया था, कच्छ का भूकंप इतना बड़ा आया था, जिसके बाद वहां पर वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बने थे। और मुझे लगता है कि इस तरह की त्रासदियों के वक्त इंसान की असली परीक्षा होती है, हमारे इंसान होने की पहचान होती है और हमें अपनी संवेदनाओं को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी त्रासदियों का मजाक न बनाएं। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अपेक्षा ये नहीं है कि सारे लोग सुबकते और सिसकते रहें, ये भी नहीं है कि सब लोग शोकाकुल हो जाएं, ये भी नहीं है कि हर तरफ मातम का माहौल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी जिंदगी मलबे में दबती है तो कहीं ना कहीं जिंदगी मुस्कुराती भी है और इसी तरह जीवन चलता है। लेकिन फिर भी यदि हम इसको अपने राजनीतिक स्कोर सेटल करने का मंच बनाते हैं तो इससे दुखद कुछ नहीं है। यदि इस तरह की जो गंदगी लोगों के दिमाग से सामने आ रही है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि समाज में किसी तरह की वर्जना, किसी तरह के लगाम लग नहीं पा रही है और लोग असल में शिक्षित जरूर हो रहे हैं लेकिन जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। और शिक्षित होने में और समझदार होने में एक बड़ा फर्क है और वो फर्क हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए हमें हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को और हमारी जो एक सामाजिक चेतना कहीं खो गई है उसको वापस लाने के लिए हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं वो सोचने की कोशिश करना चाहिए। हम लोग पश्चिम को बहुत कोसते हैं, पश्चिम में जो नग्नता है, पश्चिम में जो खुलापन है उसको कोसते हैं, पश्चिम को असभ्य मानते हैं और ये दुहाई देते हैं कि हमारी 5000 साल पुरानी, 7000 साल पुरानी, 8000 साल पुरानी सभ्यता है और सबसे ज़्यादा सभ्य हम हैं और विकसित वो अपने आप को कहलाते हैं लेकिन विकसित हम हैं। लेकिन सोच के स्तर पर देखें तो आप देखेंगे कि कई बार पश्चिम के लोग इस तरह की किसी भी तरह की टिप्पणी करने से कतराएंगे और बचेंगे, और यदि कोई करता भी है तो उसको बहुत सारे सामाजिक लांछन का शिकार होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने जो बुनियादी सोच है उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। और हमने जो हर चीज को मजाक का विषय बना दिया है और राजनीति में आगे बढ़ना, राजनीतिक कट्टरता या धार्मिक कट्टरता इस हद तक आगे जा चुकी है कि हमने मनुष्य होना छोड़ दिया है। ये जब भूकंप आया था तब इमारत से जब लोग बाहर आ रहे थे तो मैंने देखा कि जब लोग बाहर आ रहे थे तो वो न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न ऊंची जाति के थे, न नीचे जाति के थे, न उसमें कोई साहब था, न कोई छोटा कर्मचारी था, न कोई पीयून था, न कोई प्रेसिडेंट था। वहां हर आदमी केवल एक इंसान था और इंसान की तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और मुझे लगा कि प्रकृति किस तरह सबको एक साथ एक बराबर के धरातल पे लाकर खड़ा कर देती। धरती डोली जरूर थी लेकिन लोग समान हो गए थे।
सबके दुख समान थे, सबकी चिंताएं समान थी, सबको ये लग रहा था कि कब हम अपनी जान खो बैठेंगे, और वो जो चिंता की लकीरें थी उनके बीच में कि हम किसी को कैसे निपटा दें, किसी को कैसे तकलीफ पहुंचाएं, हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, ये सब चिंताएं खत्म हो गई थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब हम इस तरीके से मनुष्य हो जाते हैं तभी हमें पता लगता है कि किस तरह की दीवारें हमने अपने बीच में खड़ी कर ली हैं, और उससे आगे जाकर अब हमें ये भी सोचना होगा कि ऐसी त्रासदियों के वक्त हम किस तरह का व्यवहार करें। ये ठीक है कि आपको नहीं पता हो सकता कि आपको क्या कहना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपको क्या नहीं कहना चाहिए, और जो कुछ कहा गया वो निश्चित तौर पर नहीं कहा जाना चाहिए था। हम तो उसको यहाँ दोहराने लायक भी नहीं समझते। इस तरह की टिप्पणियों पर लगाम कैसे लगेगी? जागरूकता एक बड़ा उपाय है, और मुझे इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि खुशी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर अपने दूसरे साथियों को ऐसा न करने के लिए कहा है, रोका है, चेताया है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने कहा है कि जो लोग भूकंप को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं उनको हम ब्लॉक कर रहे हैं, उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटा रहे हैं, उनको ट्विटर पर हम ब्लॉक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इन टिप्पणियों को अच्छा नहीं माना, नकारात्मक माना, उनको रोका। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातचीत से, इस तरह के व्यवहार से, इस तरह की जागरूकता से जब हम उन लोगों को हाशिए पे डाल देंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं, अगली बार से वो शायद ऐसा करने से पहले सोचेंगे और वो बेहतर सोच में की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जहां तक इस त्रासदी की बात है, मुझे लगता है कि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हर 80-82 साल में नेपाल में हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में भूकंप आया है। जो बात की जा रही है कि नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और उनके सरकने से इस तरह के भूकंप आते हैं, और एक जो थ्योरी ये दी गई है, एक सिद्धांत ये दिया गया है कि एक बड़ा हिमालयीन भूकंप, विनाशकारी भूकंप आएगा जो बहुत ज़्यादा भयावह होगा, और माना यह गया है कि चूंकि इसकी तीव्रता हालांकि 7.9 की थी रिक्टर स्केल पर, लेकिन ये फिर भी वो भूकंप नहीं है जिसके बारे में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। एक दुखद बात यह है कि विज्ञान की इतनी उन्नति के बाद भी भूकंप का सही सही पता लगा पाने में हम लोग नाकाम हैं। अभी भी हम लोग सैटेलाइट के जरिए, अन्य माध्यमों से बारिश का कब हो पाएगी, कब नहीं हो पाएगी, मानसून कैसा होगा अंदाजा लगा लेते हैं, और कई बार वो अंदाजा ठीक भी बैठता है, लेकिन भूकंप एक ऐसी अभी भी प्राकृतिक त्रासदी है जिसको लेकर हमारे पास ऐसे बहुत उपाय नहीं है कि हम पता लगा पाएं। लेकिन ये जो भौगोलिक स्थिति है इस क्षेत्र की, उसको देखते हुए ये माना गया है कि जो ये एशियन प्लेट है वो यूरोपीय प्लेट की तरफ उधर ऊपर धीरे धीरे खिसक रही है, और हर साल वो करीबन 5 मिलीमीटर और खिसक जाती है, और इसी से हिमालय भी थोड़ा सा और ऊंचा हो जाता है। ये भूवैज्ञानिकों ने इसके लिए सिद्धांत स्थापित किया है, तर्क दिए हैं, और इसी हलचल की वजह से कोई एक बड़ा भयानक विनाशकारी भूकंप आ सकता है। ईश्वर करे कि ऐसा ना हो, ईश्वर करे कि वो भूकंप, वो कयामत का दिन कभी ना आए, लेकिन ये एक प्राकृतिक आपदा है, ये अपेक्षित था, और अगर ये अपेक्षित था तो मुझे लगता है कि उसके लिए जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। आप देखिए कि पिछले एक साल में हिंदुस्तान में ही हमने हमारी जो NDRF की टीम है उसको कितने स्थानों पर लगाया, चाहे वो जम्मू की बाढ़ हो, चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो, चाहे अभी हमने उनको नेपाल में भेजा हो। तो मुझे लगता है उड़ीसा का बड़ा महातूफान, ये 1.5-2 सालों में आप देखिए कितनी सारी आपदाएं, हमारे विशाखापट्टनम का जो हुदूद तूफान आया था वो हो। तो मुझे लगता है ये लगातार जो प्राकृतिक आपदाएं हमको पिछले 2-2.5 सालों में देखने को मिली हैं, उसको देखते हुए हमारी आपदा प्रबंधन की तैयारी और बेहतर होना चाहिए। इस बार तो मध्य भारत तक भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इमारतें भूकंपरोधी हैं कि नहीं इसकी कोई जानकारी ठीक ठीक हमारे पास नहीं है, इसका कोई अध्ययन नहीं किया गया, इसलिए तमाम जो इमारतें हैं जो नई बन रही हैं वो तो भूकंपरोधी हों ही, पुरानी इमारतों में किस तरीके से मरम्मत की जाए कि वो भूकंपरोधी हो सके। अब मुझे लगता है कि आपदा आनी है तो आएगी, लेकिन आपदा से कैसे, जैसे हम जापान से सीख सकते हैं, जापान से में तो हमसे कई ज्यादा भूकंप आते हैं, लेकिन जापानी लोगों ने अपने आप को इस तरह की दिनचर्या में ढाल लिया है कि वो हर वक्त उस आपदा के लिए तैयार नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने यहाँ पूरे एशिया में ही आपदा प्रबंधन की बेहतर तैयारी रखनी चाहिए। जयदीप, इस पूरी तरफ में भारत की भूमिका कहाँ देखते हैं आप, और भारत को इससे क्या सीख लेना चाहिए? देखिए, भारत की भूमिका दो स्तर पर देखनी होगी कि भारत की खुद की आपदा प्रबंधन की तैयारी कैसी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि NDRF की टीमों को तैनात करने में बहुत कम समय लगाया गया। बिहार में और बंगाल में जहां पर हमने थोड़ा नुकसान देखा, उत्तर प्रदेश में लगभग 12 जाने गई हैं, 30-35 जाने बिहार में गई हैं, तो वहां पर भी लोग पहुंचे हैं और बचाव की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे लगता है आपदा प्रबंधन को थोड़ा सा और हमें व्यवहार कुशल, थोड़ा प्रोफेशनल बनाना होगा। दूसरा जो स्तर में बात करना चाहूंगा, भारत के रिस्पॉन्स जो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अब ये संदेश देने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आपदा में फंसा हो, भारत न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि वहां के स्थानीय नागरिकों के लिए भी तुरंत मदद का हाथ बढ़ाता है। चाहे यमन से हमको लोग अपने वापस लाने हो और चाहे अभी नेपाल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की बात हो, और न केवल हम भारतीयों को वापस ला रहे हैं, नेपाल के लोगों को भी राहत पहुंचाने के लिए हम बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये जो तत्परता भारत ने दिखाई है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने निश्चित तौर पर एक अच्छा काम किया है। वो सजग दिखाई दिए हैं प्राकृतिक आपदाओं को लेकर, जिस तरह का रिस्पॉन्स उनके भीतर है, उनके मन में है, उनकी टीम को उसके लिए तैयार किया है, वो अच्छी बात है। ये विडंबना हो सकती है, लेकिन ये काम भी आई है। एक विडंबना है कि वो कच्छ के भूकंप के बाद ही, दरअसल कच्छ में केशुभाई पटेल जो है वहाँ भूकंप के प्रबंधन को लेकर अच्छा काम नहीं कर पाए थे, उसका लगातार विरोध हो रहा था, उसकी निंदा हो रही थी, और उसी को देखते हुए भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने ये महसूस किया था। और उसी के ठीक पहले वहाँ पर नगर निगम के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिले थे। तो इन दोनों का मिला जुला असर था कि केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी जी को केंद्र से वापस गुजरात भेजा गया, और उसके बाद वो वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में जो स्थापित हुए, तो उन्होंने लगातार 3 पारियां खेली। लेकिन कच्छ के भूकंप से निपटने में जिस तरह की तत्परता, जिस तरह की कुशलता उन्होंने दिखाई थी, उसी से उनको आगे भी और इस तरह से काम करने में मदद मिली। और अब मुझे लगता है कि उनका वो जो अनुभव है उस वक्त का, वो काम आ रहा होगा, जो अपनी टीम को सही तरीके से वो तैयार कर पा रहे होंगे। और ये अच्छी बात है, क्योंकि वही जो मैं शुरू में भी कह रहा था कि सबसे पहले हम मनुष्य हैं, वो प्रधानमंत्री भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता भी हैं, वो संघ के कार्यकर्ता भी रहे हैं, वो हिंदुस्तानी भी हैं, वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, लेकिन उसके पहले वो मनुष्य हैं। और जब हम मनुष्य होना छोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है फिर सारी गड़बड़ वहाँ से शुरू होती है। ऐसा ही जो व्यवहार है वो अन्य दूसरे मोर्चों पर भी दिखाएं, ऐसी उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन खास तौर पर भारत सरकार ने, जिसमें कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी शामिल हैं, पूरा महकमा है, विदेश सचिव जो जयशंकर जी हैं, उन्होंने भी जिस तरह की तत्परता दिखाई, जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक उन्होंने टीम से कहा था कि जो कुछ भी आपको सहमतियां लेनी है, सरकार से आदेश लेने हैं, उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैं लूंगा, लेकिन आप अपने काम में जुट जाइए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की इच्छा शक्ति वाले अफसर भी जब होते हैं टीम में, तो वो बेहतर काम करके दिखाते। कोई एक नेता इस तरह के बड़े कदम को उठाकर उसमें सफल नहीं हो सकता। नेता कहता रह जाएगा, लेकिन अफसर अगर उसको मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे, नीचे की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, आप देखिए कि सेना का भी आपस में, एयरफोर्स का या थल सेना का जो आपस में तालमेल चल रहा है, वो भी बहुत बेहतर है, जिसकी तारीफ की जा रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच उस पूरी आपदा को लेकर ज्यादा बेहतर तालमेल देखने को मिला है। मुझे लगता है कि एक पूरा टीम वर्क है, और सारी टीम ने मिलकर कोशिश की है कि हम इस आपदा से एक टीम के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में बेहतर तरीके से निपटे। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे नेपाल के भूकंप की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।